हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फ़ोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को अपनी जीमेल आईडी पर सेव कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन कर लेना है, ठीक है। डायल पैड को ओपन कर लीजिए। अब देखिए, डायल पैड में आपको कोई भी एक नंबर जो है एंटर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सबसे ऊपर ये क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन टैप करना है। अब इस वाले पेज में आपको यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर का जो नेम है उसे आपको नेम यहाँ पे डाल देना है, जो भी नेम है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर ये सेव टू के सामने डिवाइस लिखा हुआ डिवाइस पे टैप करना है, तो इस पेज में आपकी जीमेल आईडी दिखाई देगी फोन की, तो जीमेल आईडी पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सेव टू के सामने जीमेल आईडी आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको सबसे ऊपर ये सेव का ऑप्शन है, सेव के इस ऑप्शन पे टैप करना है, तो आपका नंबर जो है सेव हो जाएगा आपकी जीमेल आईडी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को अपनी जीमेल आईडी में सेव कर सकते हैं, ठीक है।